पटियाला टीवी वेख रहे सारे दर्शकों कवर बेदी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल आउ नजर मार दें पंजाब दीआं अहम खबरां ते हरियाणा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल मामले में पंचकुला की स्पैशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम नूं दोषी करार दे दिता है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम समेत चार दोषियों नूं इस मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में राम रहीम तो इलावा कुलदीप सिंह निर्मल सिंह ते कृष्ण लाल नूं भी दोषी मान लिया है। इस मामले में 17 जनवरी को सजा का ऐलान होगा। सोनारिया जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए राम रहीम की पेशी की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला फतेहगढ़ साहब जिले के नवे चुने गए पंचा सरपंचा के जिला परिषद के ब्लाक समिति मैंबर सहुं चुकवाई। पंचायतों सहुं चुकाने के नाल नाल समाज को नशा रहित करने का भी संकल्प दवाया गया। इकट्ठ को संबोधित करदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवीं चुनिया सरपंचा वधाई दी ते कहा देश के सूबे की तरक्की में पंचायतों की अहम भूमिका होंगी है जिसनों मैं असल चोण मानता। उन्होंने कहा कि पिंडा की तरक्की के विकास लिए सरकार जल्द ही 600 करोड़ रुपए तो वध की ग्रांट का ऐलान कर जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने जद्दी हल्के शांतमई ढंग निपरे जी पंचायती चोण के बारे मिसाल पेश करद कहा कि सरकार ने सूबे में पारदर्शता के आधार से चोण करवाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पंचायती चोणों में औरतों को वड्डे पद्धर से नुमाइंदगी मिली है। सरपंच पंच बणियां औरतों समाज के कल्याण के पिंडा के बहुपक्षी विकास में अहम योगदान पाने कोई भी कसर नहीं छड़नी चाहिए। नवे चुने पंचा सरपंचा के सहु चुक समागम संबोधन करद जंगलात मंत्री साधु सिंह धर्मसोद ने जिथे नवी चुनिया पंचायतों वधाई दी है उत्थे ही पिंडा मॉडल पिंड बनाने लिए प्रेरिया के बादल उत्ते वरद्या कहा पिछली सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में सूबे के लोगों को लुट्टण ते कुट्टण का काम किया गया जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो अगवाई में जिमनी चोणा नगर निगम के पंचायती चोणा पारदर्शता के आधार से जीती गई। धर्मसोद ने सुखबीर बादल समेत बिक्रम सिंह मजीठिया हरसिमरत कौर बादल उत्ते निशान ने लाए थे कहा बादल परिवार विकास के झूठे दावे कर रहा है जबकि प्रकाशपुर संबंधी बीबी बादल अज तक केंद्र सरकार तो ग्रांट तक जारी नहीं करवा सकी। मंत्री साधु सिंह धर्मसोद ने नवे चुने पंचा सरपंचा पिंडा की विकास में लीह ते लिया की गल की है। होशियारपुर के पिंड हरदो बला विच विआह दा समागम उस समय मातम की भेट चढ़ गया जद घर विच जागो ते डीजे दे प्रोग्राम चल रहा सी तां अचानक किसी ने गोली चला दी। हादसे में जागो का प्रोग्राम कवर कर रहे फोटोग्राफर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी पुत्र कमलजीत सिंह वासी मनसूरपुर वजो हुई है। जसविंदर दो भैणां दा इकलौता भरा सी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार के मैंबरां का कहना है कि उन्हां दा बच्चा विआह विच हो रहे फुगरियां दी फुगर पंथी दी भेट चढ़ गया। फिरोजपुर तो दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। पिंड असल विच आर्थिक तंगी तो परेशान किसान ने पति सने दो बच्चों मौत दे घर तार के खुद फरार हो गया। मृतक के रिश्तेदार ते पिंड वासियों ने जानकारी दिंदिया कहा पिंड असल विच आर्थिक तंगी के चलदिया परेशान नौजवान किसान परमजीत सिंह ने अपनी पत्नी और दो बच्चों तेज तार हथियारों नाल कतल कर दिता है। इस घटना अंजाम देने तो बाद वो खुद फरार हो गया। मृतक बच्चों में 9 साल का लड़का 11 साल की लड़की सी। सूबे भर में कैबिनेट मंत्री वालों पंचायती चोणा जिते पंचा सरपंचा सहुं चुकाई जा रही है उसे लड़ी तहत बरनाला विखे नवे चुने पंचा सरपंचा के जिला परिषद के मैंबरों पंजाब के पशु पालन ते डेयरी विकास मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सहुं चुकाई ते कहा विकास लई उन्हां हमेशा तत्पर रहना चाहिए है। पिंडां दे विकास के नाल सूबे के विकास में भी उन्होंने योगदान पाना चाहिए। एक सवाल के जवाब च उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म भाजपा की सौड़ी मानकता की उपज है। लुधियाना विखे कांग्रसी वर्करां वालों सिनेमा घर के बाहर फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लैके रोस प्रदर्शन किया गया। फिल्म का एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लैके विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रसियों वालों फिल्म को लैके देश भर में मुजाहरे शुरू कर दिए गए हैं जिसकी लड़ी है। लुधियाना में कांग्रसी वर्करां ने जम के सिनेमा घर के बाहर रोस प्रदर्शन किया केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। कांग्रसी वर्करां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत को विगाड़न लई इह सारी चाल चल रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने विरोधी पार्टियां ते जम के तंज कसे नाल ही सिद्धू की सुरक्षा से बोलदिया कहा कि जिस तरह मोदी दी अखां विच राहुल गांधी रड़कते हैं ठीक उस तरह नवजोत सिंह सिद्धू भी खड़कते हैं जिस करके पंजाब सरकार ने उन्हां दी सुरक्षा विच वादा कर दिता है। मैंबर पार्लीमेंट रणजीत सिंह बिट्टू ने साबका डीजीपी के पी एस गिल की किताब की आलोचना की उन्होंने विरोधी पार्टियां ते निशाने साधे ते कहा किसी भी पार्टी के घट चो नाल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पैण वाला। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर फिल्म की जिनी निंदा की जाए उन्नी घट है क्योंकि कांग्रेस को बदनाम करने साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शख्सियत के अक्स को खराब करने लिए भाजपा ने यह सारी खेड खेडी है।
ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਖਬਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 1991 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ IPMT ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ PTU ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 10ਵੀਂ ਅਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਡਿਪਲੋਮੇ OT DMLT ਐਕਸਰੇ ਆਪਥਲਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ECG ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, DMLT ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਐਕਸਰੇ ਪਲਾਂਟ, ECG ਮਸ਼ੀਨ, ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ। 0175-1810-93560-21-507, 90-567-9002, www.gurunanakinstitute.com।